हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है हुंडई वेन्यू। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी फुल्ली फीचर लोडेड सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। एंड आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले हुंडई वेन्यू के टॉप मॉडल SX ऑप्शनल टर्बो DCT ट्रांसमिशन को, जो व्हाइट कलर में आपके सामने खड़ा हुआ है। एंड इसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे फीचर्स। तो स्टार्ट करें अगर इसकी चाबी से, तो इस तरह कुछ स्मार्ट सी की यहाँ पे मिलेगी स्टीयरिंग के साथ, जिसमें देखेंगे लॉक अनलॉक, ये बूट अनलॉक का बटन। एंड इसको होल्ड करके रखेंगे ना, तब आपकी कार हो जाती स्टार्ट। तो इस तरह कुछ प्रीमियम सी आपको स्मार्ट की यहाँ पे मिल जाती है इस वेरियंट के साथ। बाकी प्राइस रेंज इस गाड़ी की स्टार्ट होने वाली है 7.94 लाख से एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल में जाता है 15 लाख तक। इंजन स्पैक इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल दोनों ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक जैसे काफ़ी सारे ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। अब आइए चलते गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं क्या कुछ देगा, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। सो फ्रंट प्रोफाइल से देखेंगे एकदम तगड़ी मस्कुलर से लग रही है ये SUV कार। डार्क क्रोम में यहाँ पर देखते हैं इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल, हुंडई का लोगो। एंड ये जो ग्रिल है ना, स्टैंडर्ड आपको मिलती है, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक सभी में आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, नीचे प्रोजेक्टर, LED ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप आपको देखने को मिलता है। सराउंडिंग यहाँ पर देखेंगे DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स के यहाँ पर प्लेसमेंट। टोइंग हुक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ। बाकी फॉग लैंप्स वगैरह आपको हुंडई के किसी भी कार्स में देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर ग्रिल पूरी ब्लैक कलर की, इसकी प्लेट भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे पूरी ग्रे फिनिश में। नीचे का देख लीजिए इस तरह पूरा इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको उसमें मिलने वाला है 195x195 mm का इस कार के साथ। तो ये तो बात हो गई इसके पूरे फ्रंट प्रोफाइल की। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की देखेंगे प्लेसमेंट। एंड इस SX ऑप्शनल टर्बो DCT के साथ आपको मिलता है एडास। यहाँ पर देखेंगे कैमरा, रडार वगैरह का भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ऊपर जाएंगे सिल्वर फिनिश में इसकी रूफ रेल, सनरूफ, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं गाड़ी की यहाँ पर इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से इस तरह कुछ बेहतरीन से आपको देखने को मिल जाती है ये कॉम्पैक्ट SUV कार। यहाँ पर देखेंगे तो बड़े से आपको अलॉयज देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ क्रोम वाले डोर हैंडल्स, ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स, एंड और क्या सारे फीचर्स रहेंगे उसके बात करेंगे अभी हम लोग वीडियो के आगे। तो सबसे पहले बता दें अगर आपको उसकी वारंटी, तो हुंडई वेन्यू के साथ आपको मिलेगी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, जिसको चाहें तो फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके। एंड डायमेंशन की बात कर ले तो इस गाड़ी की आपको यहाँ पे मिलने वाली है 3995 mm की इसके यहाँ पे लंबाई, इसी के साथ 1770 mm की इसके यहाँ पे मिलेगी विथ चौड़ाई, एंड 1617 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस जो यहाँ पे रहता है इसका, वो मिलेगा आपको 2500 mm का। अब आइए आपको दिखाते पास से इसके अलॉयस। तो यहाँ पे आपको इसमें 16 इंचेस के बड़े सा अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, हुंडई का लोगो। आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स, कुछ यहाँ पे इसका ट्रेवल रहता है ब्लैक कलर के देखेंगे। ये यहाँ पे पूरी क्लैडिंग यहाँ से लेके पीछे तक आपको पूरी क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड मिरर्स आपको मिलने वाले ऑटो फोल्डेबल, तो गाड़ी को जब भी लॉक अनलॉक करेंगे फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, नीचे देखेंगे तो व्हाइट कलर के आपको पेडल लैंप्स भी ऑफर किए जाएंगे। देन इसके बाद ये पिलर देखेंगे पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, ऊपर यहाँ पे सिल्वर फिनिश में इसकी रूफ रेस, एंड ये इसकी सनरूफ। सनरूफ आपको मिलते हैं इसके सेकंड टॉप SX वेरिएंट से। बी पिलर वगैरह पूरा देखते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। अंदर अगर आपको दिखाए ना, तो ये पूरा रहेगा डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरल चार्जिंग वाला पैड, टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसी के साथ 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड आपको मिलता है ट्रैक्शन, TPMS, डिजिटल क्लस्टर, ऊपर सनरूफ जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे इस कार के साथ। इसको यहाँ पे करेंगे बंद, पीछे आपको दिखाएं तो नॉर्मल से आपको ड्रम ब्रेक्स रहेंगे, एंड आगे तो रहते हैं डिस्क ब्रेक्स। एंड ये गाड़ी के यहाँ पे बेहतरीन सी पूरी साइड प्रोफाइल। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे दिया गया, जहाँ उसमें डलाएंगे मिलेगी 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल वाली। बाकी डीजल में जाएंगे तो आपको उसमें यूरिया एड ब्लू भी डलाना पड़ेगा। इसको अभी यहाँ पे करते बंद। ये था यहाँ पे पूरा इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करें अगर इसके राइवल्स के बारे में, तो हुंडई वेन्यू का सीधा सा कंपटीशन मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, महिंद्रा 3XO जैसी गाड़ियों के साथ होता है। लेकिन इसका भी क्या कहना, लुक्स एकदम बड़े से मिलते हैं, इसके साथ यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे फीचर्स रहने वाले हैं इस कार के साथ। अब आइए चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक से सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब, इसी गाड़ी ने ना ये कनेक्टेड टेलैम्स वाला पे ट्रेंड चलाया था, जो अभी भाई साहब सारी कंपनियाँ कंटिन्यू कर रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कनेक्टेड आपको इसमें LED बैकलाइट्स देखने को मिलते हैं। इसके नीचे हुंडई का लोगो, वेन्यू की देखेंगे बैजिंग। एंड स्पेशल थैंक्स SS हुंडई कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। कोई भी अगर आप हुंडई की कार्स प्लान कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर देखेंगे तो इसका शाफियन एंटीना, रूफ रेल एंड सनरूफ रहेंगे इसके रूफ में। इधर यहाँ पे SX की आपको बैजिंग मिलेगी, ऑप्शनल की कोई भी आपको बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। टर्बो वेरिएंट से यहाँ पे आपको उसकी भी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर दोनों रिफ्लेक्टर्स, नीचे देखेंगे रिवर्स लाइट यहाँ पे दी गई इसके बम्पर में, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रहेंगे, एंड पार्किंग कैमरा आपको दिया गया है यहाँ पे नीचे नेम प्लेट के पास। इसकी प्लेट आगे की तरह आपको पीछे भी देखने को मिलती है पूरी ग्रे फिनिश में। अब इसके बाद रियर सस्पेंशन सेटअप इसका पूरा देख लीजिए, इस तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोइंग हुक का ऑप्शन यहाँ पे सेंटर में, एंड इधर यहाँ पे इसका रहेगा ये एग्जॉस्ट पाइप।
तो ये आपने देखा Hyundai Venue की पूरी यहाँ पे बैक प्रोफाइल। अब आपको कैसे लगी इसकी पूरी बैक प्रोफाइल आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। अब आइए आपको दिखाते हैं कि आप सामान वगैरह कहाँ रखेंगे, आई मीन इसका बोर्ड स्पेस खोलते हैं। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 350 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, 350 लीटर का, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड सीट आपको मिलेगी 60-40 रेशो में फोल्डेबल, इनको चाहे तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है, साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बूट लाइट वगैरह भी आपको ऑफर की जाएगी। स्टेपनी वाला टायर यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है। एंड इसके अगर प्रोफाइल की बात करें कहाँ गया इसका सेक्शन दिख जाए भाई, ये तो ये आपको मिलता है 15 इंच का, चारों आपको मिलेंगे 16 इंच के लॉस, तो ये स्टीलिंग रहेगा 15 इंच का, एक से छोटा। तो ये बात होगी इसके पूरे बूट स्पेस की। अब क्या है भाई साहब, इसको करेंगे बंद फिर चलेंगे कार के अंदर। तो ये आपने देख लिया गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर, अब बसता है इसका इंटीरियर। तो अब अंदर चल के आपको पूरा दिखाते हैं इस कार में और क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई साहब Hyundai की गाड़ी है तो जानते हैं, इंजन काफ़ी रिफाइन रहेगा, काफ़ी बड़े से आपको राइड क्वालिटी मिलेगी। फीचर्स का क्या ही कहना, एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस कार के साथ। साइड से भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखाई दिया, क्रोम हैंडल आने वाले, बाकी अलॉय्स देख लिया, ऑटो फोल्डेबल स्कर्ट्स एंड मिरर्स। एंड अगर आपको इससे थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए तो आप जा सकते हैं Hyundai Venue N लाइन के साथ, जहाँ पे आपको रेड एलिमेंट्स मिलेंगे, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, डैश कैमरा मिलेंगे, इस तरह के काफ़ी ढेर सारे फीचर्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे N लाइन वेरिएंट के साथ। चाबी इस तरह कुछ स्मार्ट की रहेगी, बाकी भी इसको आगे चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। खोलेंगे इसकी डोर एंड ये देखिए इसकी डोर ट्रिम पूरी डुअल टोन में, यहाँ पे डोर ओपनर, पाम डोर के कंट्रोल, नीचे स्पीकर बॉटलर देखने को मिल जाएगा इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह इस तरह कुछ यहाँ पर रहेंगी, साइड में थोड़ा सा लेदर टेक्सचर, बीच में फैब्रिक। अंदर बैठने के बाद ये रहेगा इसका डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड का व्यू। पीछे वाले बंदों के लिए यहाँ पे इवेंट्स वगैरह दिए गए, दो दो टाइप सी यहाँ पे रहेंगे, नीचे की तरफ यूएसबी के पोर्ट्स, एयर प्यूरीफायर रहेगा जिसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैठने के बाद इतना कुछ आपको बेहतरीन सा इसका लेगरूम नीरूम देखने को मिलेगा, 2500 mm का व्हील, उसी हिसाब से एकदम बड़े समय पर बैठ जाएंगे इस कार के अंदर। इधर का देख लीजिए डोर ट्रिम, ऊपर जाएंगे वही इसका ग्रैब हैंडल, यहाँ पे इसकी रूफ लाइट, वही रेगुलर हाइड्रोजन बल्ब वाली देगी पीली वाली सनरूफ ऊपर की तरफ यहाँ पे। और ये देखो भाई साहब तीन तीन हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल मिलेंगे, तीन पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे इसमें सीट बेल्ट्स के। एक यहाँ पे वीक पॉइंट है कि आपको इसमें कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है Hyundai Venue के साथ। ये आपने देखा चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई इसके पूरे सेकंड रो की। अब आइए निकलते हैं फिर चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से पूरा कवर करेंगे इस कार को। चाइल्ड लॉक वगैरह भी यहाँ पे इनके डोर्स में देख सकते हैं। ये वैसे तो यहाँ पे भाई साहब स्मार्ट की थी जो मैंने आपको दिखाई थी, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, चाबी को अपने पॉकेट में रखें, इसे अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब आइए चलते कार के अंदर। डोर ट्रिम पूरी देखेंगे डुअल टोन में, यहाँ पे डोर ओपनर, नीचे ऑल फोर पॉइंट्स के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, ORB एडजस्टमेंट के यहाँ पे कंट्रोल्स, स्पीकर बॉटलनेक आपको देखने को मिलता है इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक की रहेंगी, साइड में थोड़ा सा लेदर टेक्चर, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलता है मैनुअली, बाकी आगे पीछे करना है या भाई साहब इसको रिक्लाइन करना है ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल। नीचे इसका यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है यानी कि CVT, तो उसके पैडल्स आपको मिलते हैं, साइड में डेड पैडल, आगे का बोनट खोलने का यहाँ पे लीवर। इस तरफ यहाँ पे इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट ऑफ का बटन, यहाँ पे व्यू का बटन, यहाँ से अपने हेडलैम्प को ऊपर नीचे कर सकते हैं एडजस्ट। सो आइए अब चलते गाड़ी के अंदर, बैठ के आपको दिखाते हैं इसका यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड। तो भाई अभी आ चुके पे कार के अंदर, सबसे पहले खोलेंगे यहाँ पे इसकी सनरूफ। तो ये देखिए बड़ा सा पूरा इसका व्यू। तो यहाँ पे इस टॉप मॉडल यानी कि SX ऑप्शनल टर्बो DCT में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसमें पैडल शिफ्टर्स। ऑन करेंगे सबसे पहले इसके इग्निशन को, तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिलता है इसमें ये पुश इंजन इच्छा शॉप बटन है, ये यहाँ पे फ्यूज इसका निकाल दिया गया है, तो ये भाई साहब ऑन ही नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो क्लस्टर जैसे कि वहाँ पे भाई साहब ऑन नहीं होता, तो ये Hyundai Exter का देख लीजिए कुछ सिमिलर ही रहेगा, इस तरह फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि एडास वाली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेगी Hyundai Venue के साथ, वो आपको यहाँ पे इसमें डिस्प्ले नहीं मिलेगी, जैसे लेन वॉच वगैरह हो गए जो एडास वन के फीचर्स रहेंगे। बाकी इसी तरह कुछ सिमिलर आपको क्लस्टर मिलता है, एक तरफ यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह शो करेगा, एक तरफ फास्ट पे मीटर, एक तरफ यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स, यहाँ पे फ्यूल गेज वाले बार्स, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम आपको मिलेगा, तो प्रेस करके पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियो वगैरह, ट्रिप वगैरह जो भी देखना हो, रेंज वगैरह, वो मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। देन इसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे Hyundai का लोगो, यहाँ पे जाएंगे तो आपको MID के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स एंड यहाँ पे आपको एडास वाले फीचर्स मिलेंगे, लेन वॉच वगैरह जो यहाँ पे लेवल 1 एडास आपको देखने को मिलता है इस कार के साथ। इधर जाएंगे तो यहाँ पे टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी पूरा लेदर रैप आपको मिलता है इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह भी मिलेगी व्हाइट कलर की, एकदम स्पोर्टी सा लगेगा जब आप इसको यहाँ पे पकड़ के बैठेंगे, यानी कि ग्रिपिंग रहेगी इसकी तगड़ी सी।
पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ये टिल्ट एडजस्टेबल, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे फिक्स। आप देखिए इसका पूरा डुअल टोन में, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का व्यू। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी इसमें 8 इंचेस वाली टच स्क्रीन। ये देखेंगे काफ़ी सारे एप्लीकेशन वगैरह, नेविगेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ब्लू लिंक मिलता है। तो यहाँ पे इस कार में क्या होगा, स्टॉप मॉडल के साथ आप अपने फ़ोन से ब्लू लिंक वगैरह मतलब इंस्टॉल करके जो कार कनेक्टिंग फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो फ़ोन से अपना ऑपरेट कर पाएंगे। तो इस तरह पूरा इसका इंटरफेस वगैरह। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे यूएसबी ऑक्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे सब इसके कंट्रोल्स हो गए, शॉर्टकट वाले सेटअप वगैरह, मीडिया, रेडियो वगैरह, वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। एसी वेंट्स ब्लैक कलर के, जिसका सराउंडिंग यहाँ पे देखेंगे, सराउंडिंग यहाँ पे पूरा आपको मिलता है सिल्वर फिनिश। नीचे जाएंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे आपको उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से अपना फैन स्पीड वगैरह घटा बढ़ा सकते हैं। और बीच में आपको सेंटर में मिलेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप ए टाइप सी दोनों ही आपको यहाँ पे इसमें यूएसबी के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग वाला पैड यहाँ पे देगा, फोन वगैरह रख के बड़े से अपना चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट फोन सपोर्टेड होगा वायरलेस, तो वो भी आपको यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो मतलब ये फीचर हो गया, ब्लू लिंक हो गया, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, इसी के साथ ट्रैक्शन, टीपीएमएस, हिल डिसेंट कंट्रोल, एडास, इस तरह के काफ़ी ढेर सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इसके स्टॉक मॉडल में। एंड यहाँ पे देखते तो इसका रहने वाला है डीसीटी, यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन, जिसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल वगैरह देखेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे सिर्फ क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्राइव मोड्स भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। इधर जाएंगे तो यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स, ये हो गए इसके, यहाँ पे हैंड ब्रेक, ये हो गया आर्म। तो यहाँ पे आर्म में देखेंगे आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से यहाँ पे स्विच रहने वाला है, एयर इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। जैसे आपने क्रेटा में देखा था ना, सेम उसी तरह आपको मिलता है इसके टॉप मॉडल में। इसमें भी आपको मिलेगा स्पेस, यहाँ पे अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ये देखो यहाँ से भी वाइस अपना फ़ैन लगा हुआ है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पे भी आपको हवा देखने को मिल जाएगी, हवा आएगी। आई मीन डोर ट्रिम आपने देख ली, बाकी ये था इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, छोटा मोटा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। एंड ग्लव बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा बड़े सा स्पेस एंड एक कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है इसके टॉप मॉडल के साथ। इसको करेंगे बंद, ऊपर आएंगे तो मैन्युअली एडजस्टेबल यहाँ पे IRVM, SOS, रोड साइड असिस्टेंट एंड ब्लू लिंक वाले यहाँ पे मिलेंगे कंट्रोल्स इसके IRVM में। रूफ लाइट यहाँ पे आपको वही रेगुलर पीली हैलोजन बल्ब वाली देखने को मिलती है, इसको करेंगे ऑफ। एंड यहीं पे आपको मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स, तो खोल के दिखा दें, ये रहेगी यहाँ पे Hyundai Venue की इलेक्ट्रिक सनरूफ, वन टच में ओपन हो जाती है, वन टच में ही क्लोज हो जाएगी, ये देखिए। और यहाँ पे भाई साहब इसमें वॉइस कमांड भी मिलता है, तो उससे भी अपना इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओपन द सनरूफ, ये देख रहे हैं ना, तो भाई साहब ब्लू लिंक है, वॉइस कमांड है, तो इस तरह आराम से इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बंद करें। क्लोज द सनरूफ, ये देख रहे हैं ना, तो वॉइस कमांड से भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे जिनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, ऊपर यहाँ पे माइक वगैरह रहेगा बात बात करने के लिए। इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसमें मिलेगा टिकट होल्डर, देन इस तरफ यहाँ पे देखते हो तो आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था यहाँ पे Hyundai Venue के टॉप मॉडल SX ऑप्शनल DCT का यहाँ पे अंदर का पूरा इंटीरियर डैशबोर्ड। अब बात आती है इसके इंजन स्पेक की, तो आइए खोल के आपको दिखाते हैं इसका बोनेट वगैरह, फिर लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। सबसे पहले ऑफ करेंगे इसका इग्निशन के। सो अब बात आती है इसके इंजन स्पेक की, तो सबसे पहले यहाँ से खोल के आपको दिखाते हैं इसका बोनट। इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, हालांकि अभी आपके सामने पेट्रोल में तो दो मिलते हैं, एक मिलेगा 1.0 लीटर में 300 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन, तो ये अभी आप इसका टर्बो इंजन देख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक दूसरा मिलेगा 1.2 लीटर में 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल, देन थर्ड आपको मिलेगा 1.5 लीटर में डीजल इंजन ऑप्शन। तो आपको अब दिखाते हैं यहाँ पे इसका जो टर्बो इंजन आपके सामने अभी पेश है, तो इस तरह यहाँ पे देखेंगे टर्बो GDI की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे इस तरह पूरा देखेंगे सब कूलेंट वगैरह इस तरह पूरा बढ़िया से इसको असेंबल किया गया है। ये देखिए यहाँ पे इसका बैटरी वगैरह का पूरा कंपार्टमेंट, इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि भाई साहब Hyundai की सभी कार्स में जानते हैं काफ़ी रिफाइन आपको इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड अब बात करें अगर इसके पावर फिगर के बारे में, अगर आप इसका ये लेंगे आपको मिलने वाली है वही 118 BHP की पावर, 172 NM का टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। माइलेज वही मान के चलिए 17 से 18 के एम्पल तक यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कार के साथ। ठीक साथ अगर आप इसका जाएंगे 1.2 लीटर में 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ, तो उसमें आपको मिलेगी 82 BHP की पावर, 114 NM का टॉक, वही मान के चलिए 18 से 19 के एम्पल तक माइलेज देखने को मिलेगा इस कार के साथ। एंड देन थर्ड आपको इंजन ऑप्शन मिलता है यहाँ पे 1.5 लीटर में CIDI डीजल इंजन ऑप्शन, उसमें आपको मिलेगी 114 BHP की पावर एंड 250 NM का टॉक देखने को मिलता है। माइलेज वहाँ पे आपको समथिंग मिलेगा 23 के एम्पल तक इस कार के साथ। तो ये था यहाँ पे इसका पूरा इंजन स्पेक। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की। अगर आप इसके स्टॉक मॉडल SX ऑप्शनल टर्बो DCT को लेंगे तो ये आपको पड़ने वाला है
13,23,000 एक्स रूम एंड वही जाएगा 15,39,000 ऑन रोड लखनऊ। ये पे अगर आप उसके लेंगे एसएक्स ऑप्शनल डीजल को लेंगे तो आपको समथिंग पड़ेगा 13,28,000 एक्स रूम एंड 15,46,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। तो ये था इसका यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया इंजन से लेके प्राइसिंग से लेके। एंड अब बात आती है इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इस विंडिंग वेन्यू के साथ आपको मिलेगा ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड लेवल वन एडाप्ट वाले काफ़ी ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस विंडिंग वेन्यू के SX ऑप्शनल टर्बो DCT ट्रांसमिशन पे। एंड इसके अलावा अगर आपको SX ऑप्शनल डीजल या किसी का भी वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगले किसी बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।